प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी आज खुल रहा है, आईपीओ क्या करना है? हाँ, मतलब ये पहला आईपीओ का जिसमें मैंने बहुत एलोबरेट करके मतलब विस्तार से आपको मेरी राय दी है। पहली चीज तो ये है कि क्लियर कट सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा न लगाए। लिस्टिंग गेन के लिए जो नहीं हमारा लगाना है। नया फॉर्मूला है, लॉन्ग टर्म सोचेंगे शॉर्ट टर्म में बन जाएगा, शॉर्ट टर्म सोचेंगे लॉन्ग टर्म तक इंतजार करना पड़ेगा, और बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं। करेक्ट। सो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिहाज से अगर आप प्रूडेंट को देख रहे हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक है, पहली ठीक है। चीज। दूसरी चीज ये कि मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए, अभी के माहौल को देखते हुए बेहतर है आप लिस्टिंग के बाद लगाएं। कोई जरूरी नहीं कि आपको एप्लीकेशन एलआईसी में, माफ कीजिएगा, आईपीओ में ही करना चाहिए, आप लिस्टिंग के बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। तीसरी चीज है, जो पैसा लगाना चाहते हैं सिर्फ हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स ही पैसा लगाएं। तो बहुत क्लियर कट लगा रहा हूं, तीनों चीज बोल रहा हूं। एक, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आज से नहीं लगाएं, बन जाए तो बहुत बढ़िया, लिस्टिंग के बाद खरीदने का मन रखें। और अगर अभी आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हाई रिस्क लेना। हाई रिस्क का मतलब ये कि आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं, आईपीओ लिस्टिंग के बाद अगर नीचे मिला तो आप और लेंगे, ये इसका मतलब ये। हाई रिस्क की डेफिनेशन क्या है मैं बता देता हूँ, इसकी परिभाषा ये है कि एक, आप लॉन्ग टर्म रखेंगे, दूसरा नीचे लिस्ट हुआ तो और लेंगे, तो ही उस कैटेगरी में आप आते हैं। ठीक अब है अच्छी चीजें क्या है वो बता जी। रहा हूँ, कंपनी बहुत शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आप सोचेंगे कि राय तो कुछ अलग ही दे रहे हैं, कंपनी कह रहे हैं शानदार है, तो क्यों क्यों राय आई वो भी मैं बताऊंगा। पहले कंपनी के बारे में बताऊं, प्रोमोटर्स बहुत एक्सपीरियंस है, मार्केट लीडरशिप है, बेसिकली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार जी करती है और उसमें लीडर है, ओके दिग्गज कंपनी है। ओके फाइनेंशियल्स बहुत शानदार है, साल दर साल बहुत मजबूत हो रहे हैं, बढ़िया रेशियोज हैं, फ्री कैश फ्लो मजबूत है, इन्होंने कार्वी का म्यूचुअल फंड बिजनेस भी अक्वायर किया, यस ग्रोथ भी बढ़िया है, ऑर्गेनिक ग्रोथ भी है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी है, तो कंपनी में कहीं आप ढूंढने जाएंगे तो कमी नहीं मिलेगी, और आगे भी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया है। तो सब कुछ अच्छा है, राइट सब कुछ अच्छा सब है, कुछ अच्छा। खराब क्या है जिसकी वजह से ऐसी ओपिनियन आई? तो खराब में एक छोटी रिस्क है कि बार बार इसमें रेगुलेशन चेंज होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड कितना कमीशन दे सकते हैं, करेक्ट। प्लस वो डायरेक्ट प्लान, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स फ्रेंडली जो नियम बनते हैं उसका नुकसान म्यूचुअल फंड्स को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को उठाना पड़ता है, होता तो है। वो एक रिस्क हमेशा रहती है, वो सबके लिए, इनके लिए भी। लेकिन बड़ी चीज जो है वो ये कि वैल्यूएशंस महंगे हैं, अच्छा, इसलिए आईपीओ सस्ता देना चाहिए, इन्होंने एक ही गलती की, महंगा किया, महंगा किया है। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कल मैंने मैनेजमेंट से भी बातचीत की, जी अच्छे मैनेजमेंट है, बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्यूचर का बिजनेस मॉडल है। लेकिन अगर आपसे लगभग आधे वैल्यूएशन पे मुझे आनंद राठी वेल्थ मिल रहा है तो मैं ये क्यों लूं? ये क्यों लोग? आनंद राठी वेल्थ और इनकी साइज लगभग लगभग बराबर है, कह सकते हैं वो वेल्थ मैनेजमेंट में, ये प्योरली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में, एकदम सेम कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास जो सबसे नियरेस्ट है उसी से कंपेयर करूंगा, करेक्ट सर। करेक्ट? सो अगर इस वैल्यूएशन पे मुझे लेना तो मैं आनंद राठी क्यों ना लूं, मैं क्लियर प्रूडेंट बात क्यों है। लूं? सो एब्सोल्युटली अगर यही वैल्यूएशन अगर सस्ता कर देते प्रूडेंट तो तो बहुत अट्रैक्ट। बढ़िया चीज थी। सो आई थिंक इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लिस्टिंग के बाद अगर मौका मिले नीचे लेने का तो तो है बेस्ट हो सकता है। अंडरस्टूड सर। तो अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप अब नजर रख सकते हैं, लिस्टिंग के लिए पैसा नहीं लगाएं, पोस्ट लिस्टिंग देखा जाएगा क्या करना है।